मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एवी के जितने भी टर्म्स हैं उनका सम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप, कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एवी। फॉर एन एवी होस टर्म्स आर गिवन एज ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन। वी हैव ए वन इक्वल टू ए, ए टू इक्वल टू ए प्लस बी, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी डॉट डॉट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक जनरल एपी जो हम लोग लिया, मैंने एपी का रिप्रेजेंटेशन की उसमें हर एक टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए वन ए टू से लेके ए एन तक। अब इन सारे टर्म्स को अगर हम जोड़ दें तो एक सीरीज बनता है, तो उस सीरीज को हम कैसे लिखेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस टू डी प्लस डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन डी। यह इसलिए मैंने किया है कि इसके बीच में और भी टर्म्स हो सकते हैं। अब इसी सीरीज को जो मैंने यहाँ पर लिखा, इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये कि ये जो टर्म था लेफ्ट हैंड साइड में इसको मैं राइट हैंड साइड की ओर लिखूँ और राइट हैंड साइड में ये टर्म इसको लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखूँ, करना तो ऐड ही है, लेकिन बस मैंने इसका सीक्वेंस बदल दिया है कि पहले था ये लेफ्ट से राइट, अब मैंने इसी सीक्वेंस को राइट से लेफ्ट लिखा है। एस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डॉट डॉट प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए। अंतर कुछ नहीं पड़ना है, बस ठीक वही है जो पहले था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो हमें क्या मिलेगा, एस प्लस एस टू एस। अब ये ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बाद में जितने भी टर्म्स हैं वो सब सब्सिक्वेंटली ऐसे ही एड होते जाएंगे, और फिर लास्ट जैसे फिर ये यहाँ पर मैंने जैसे जोड़ा ए और ए प्लस ए माइनस वन डी, फिर ए प्लस डी यहाँ हो गया ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, वो मैंने तो यहाँ ए प्लस डी फिर इसको जोड़ेंगे ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। सब्सिक्वेंटली जैसा दिया हुआ ये टर्म्स रिवर्स ऑर्डर में और फॉरवर्ड ऑर्डर में उसी को जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में भी ये टर्म्स होगा डॉट 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 टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फिर प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे इस पूरे एडिशन में तो हमें क्या मिलता है, ये और ये इसमें जोड़ के टू एस हो गया, ये जितना भी बार टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है ये हम लोग का एन टाइम्स आ रहा है, क्योंकि हमारे एपी में एन टर्म्स थे इसीलिए हर एक टर्म का एडिशन जो है वो एन टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं टू एस इक्वल टू एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब चूंकि हम लोग का ये जो सीरीज है ये दो बार ऐड हो जा रहा है, मतलब ये सम जो है, अब इस सम को हमको सिंगल ऐड करना है, इसके लिए हम टू से डिवाइड करेंगे। एस इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ मैंने इसको इससे तोड़ा क्योंकि मैं इसको एक सिंपल ले आगे लिखने वाला हूँ। ए प्लस ए वे हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो कि एज इट इज रह गया। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये हमारा लास्ट टर्म की ए होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एल इक्वल टू ए एन वेयर ए एन इज द लास्ट टर्म, मतलब ये कि इसमें ए एन जो है हमारा लास्ट टर्म था, तो उसको हम एन बाई टू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, या फिर एस इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला जो था मैंने बताया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए ये समझ में आया होगा। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस है वो आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी का एग्जाम्पल दूंगा क्वेश्चन दूंगा, तो वही एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन ए पी टू सेवन ट्वेल्व अप टू टेन टर्म्स। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि जो ए पी दिया है उसमें हम लोग को स्टार्टिंग से लेकर 10 टर्म तक का सम निकालना है, मतलब जोड़ करके बताना है कि ये एपी में जितने भी 10 टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन ए वन इक्वल टू टू, बी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इक्वल टू सेवन माइनस टू इक्वल टू फाइव, एन इक्वल टू टेन, ए एन का जन्म का पास दिया हमने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए टेन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी यानी कि ए प्लस नाइन डी। एसएन का फॉर्मूला जो कि मैंने लिखा था एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टेन बाई टू क्योंकि एन का वैल्यू मैंने टेन लिया है
टू इंटू टू ए यानी कि यहाँ पर टू था भाई पुट किया प्लस एन जो कि टेन था माइनस वन इंटू डी फाइव टेन बाई टू फाइव ब्रैकेट ओपन फोर प्लस नाइन इंटू फाइव टेन माइनस वन नाइन इंटू फाइव फाइव इंटू ब्रैकेट ओपन फोर प्लस फोर फोर्टी फाइव ब्रैकेट क्लोज फाइव इंटू फोर्टी नाइन इज इक्वल टू टू फोर्टी फाइव। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे कि और एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एबी का। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एबी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400 फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिविजन्स। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें जो एबी दिया गया है उसका पहला टर्म 5 है, दूसरा उसका लास्ट टर्म 45 है और सारे एबी के टर्म्स का सम जो मतलब 5 से 45 के बीच का 400 है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस एबी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन ए इज इक्वल टू 5, ए एन इक्वल टू 45 एंड एस इक्वल टू 4। यहाँ पे से ए वन इज इक्वल टू ए लिखिए या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ सकते हैं कि ए वन इक्वल टू ए है। यहाँ मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ओपन ए प्लस ए एन ब्रैकेट क्लोज। जो कि मैंने बताया था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन भी होता है जो कि 2a plus a minus 1b का सिंपलेस्ट फॉर्म था। अब मैंने सारे वैल्यूज को पुट अप कर दिया, sn की जगह 400, n by 2, a की जगह 5, n की जगह 45। अब मैंने इस 2 को इस साइड ले आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 400 into 800 और ये 5 plus 45 becomes 50, 59, 800 और 59 डिवाइड करेंगे तो n equal to my 16 मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16। अब आते हैं इसके कॉमन डिफरेंस की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ए एन का जन्म फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यहाँ पर हमने 45 लिया जो कि दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 5 प्लस एन 16 जो कि अभी कैलकुलेट किया 16 माइनस वन इंटू डी 45 इक्वल टू 5 प्लस 15 डी। अब इस 5 को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 5 बन जाएगा, माइनस 5 प्लस 45 इक्वल टू 40, 40 इक्वल टू 15 डी। अब हम लोग को डी चाहिए तो इस 15 को हम डिवाइड कर देंगे 40 से, 40 बाई 15 इज इक्वल टू 8 बाई 3। डी इक्वल टू 8 बाई 3, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 8 बाई 3। तो हमें जो निकालना था नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16, एन इक्वल टू 16 और कॉमन डिफरेंस जो कि 8 बाई 3। आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग के सामने एपी का लास्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और पूरे चैप्टर का जो आज मैं आपको ध्यान में दे रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एपी का पहला टर्म है 17 इनके 17 और आखिरी टर्म इनके लास्ट टर्म है 350। तो हमें इसमें दिया गया है कॉमन डिफरेंस 9 है तो हमें ये पता करना है कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं और इनका सम क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गिवन दिया हुआ है ए वन इक्वल टू 17, ए एन इक्वल टू 350 एंड डी इक्वल टू 9। ए एन का जो जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब उसमें सारे वैल्यूज को पुट अप कर दिया 350 ए के जगह 350, ए के जगह 17 प्लस एन माइनस वन डी टू डी के जगह 9। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9n माइनस 9, 350 इज इक्वल टू 9n प्लस 8, 9। अब ये 8 को जब मैं इस साइड ले जाऊंगा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में तो 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 340, क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में चेंज किया तो साइन चेंज हो जाता है। 9n इज इक्वल टू 342 डिवाइड किया तो ये आया 38, 9 9 37 7, इसके पास चला गया 72, 9 7 8 इज इक्वल टू 38। अब इसका सम एस एन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ क्योंकि हमारा एन 38 आया तो मैंने लिखा एस 38 इज इक्वल टू 38 बाई टू इंटू ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस वन ब्रैकेट टू इंटू 9 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
is 38 is equal to 19. 38 by 2 gives 19. 2 into 17, 34 plus 38 minus 1, 37 into 9. Is 38 is equal to 19. Bracket opens, 34 plus 37 into 9, 333. Bracket close. Is 38 is equal to 19 into 367 is equal to 6,923. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें हम लोगों को निकालना था n और what इनका सम. तो n हमारा 38 आया और टोटल 80 में जितने थे 70 से लेकर 350 तक का सम था वो सब का सम आया 6,923. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और जितना भी 80 मैंने भी पढ़ाया आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा. तो हरीश चंद्र मुंडा के लिए क्लैप है और घर बैठे आप भी क्लैप करिएगा अगर आपको इनका क्लास पसंद आया और पसंद आना ही चाहिए. बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन इन्होंने बहुत कम टाइम में दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक्सेलेंट आपका समझाने का तरीका था और आपने जितना भी क्वेश्चन दिया को लगता है कि जितने भी आपके छोटे भाई बहन घर में देखते होंगे वीडियो उनको समझ में आ ही गया होगा. तो एक तो सवाल है आपके लिए, आप इतने साल के बाद स्कूल में वापस आए तो आपको कुछ चेंज नजर आया क्या स्कूल में? स्कूल में तो ऐसे बहुत चेंज आया क्योंकि हम लोग ने जब स्कूल की शुरुआत की थी तब ये स्कूल इतना बड़ा नहीं था. अच्छा. उस समय शुरुआत में 3 कमरों का स्कूल हुआ करता था. अच्छा. और वो भी मतलब SSS के छत थे उसमें. अच्छा. तो धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते गए तो ये स्कूल भी मतलब बढ़ता गया और मेरे 5वीं तक पढ़ने के बाद ये जिस फ्लोर पर भी हम लोग कर रहे हैं वो फ्लोर तो तैयार हो चुका था और उतना तैयार नहीं होता कि इसमें इतना कुछ कर सके. तो अब जो कि वहाँ स्कूल को छोड़ने के बाद तकरीबन 9 साल हो गए. तो 9 साल बाद जब यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है स्कूल में. काफ़ी नई नई चीज़ें हैं, पुराने लोग कुछ हैं, कुछ बदल गए, नए चेहरे सामने आए. तो देख के अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने सालों बाद स्कूल बदलाव की ओर बढ़ रहा है, तरक्की ओर बढ़ रहा है. हालांकि स्कूल को अभी तक किसी बड़े व्यक्ति का हस्ती का समर्थन नहीं मिला लेकिन फिर भी अपने दम पर भी इतना आगे बढ़ रहा है ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि हर एक विद्यालय के लिए होना आम बात नहीं है. सही. तो ये था हरीश चंद्र मुंडा का क्लास. इसके बाद हम लोग भी कंटिन्यू करते रहेंगे कोई और स्टूडेंट आएंगे या फिर कभी हरीश चंद्र मुंडा भी वापस आएंगे और क्लास लेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं किसी और.